प्रयागराज में इन दिनों बाढ़ से लोगों का जीना मुहाल है। शहर के तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा मोहल्लों में पानी भर गया है। बाढ़ प्रभावित मोहल्लों में अब गाड़ियों की बजाय नावें चलनी शुरू हो गई हैं। करीब 5,000 लोगों ने घर छोड़ दिया है। जलस्तर बढ़ जाने से झूंसी, नैनी, मेजा, फूलपुर आदि क्षेत्र के 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। गंगा यमुना में पानी बढ़ जाने से प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना शुरू कर दिया है। होता है कि इनको सुरक्षित अपना कैंपों पर लाना, तो हम लोग परसों से ला रहे हैं और परसों कम से कम 25-30 लोग थे, कल मिला के 600 लोग हो गए। आज भी सुबह से लगभग 100 लोग आ चुके हैं, जिसमें संख्या 700 के लगभग हो चुकी है। लंच के समय तक, ब्रेकफास्ट के समय तक NDRF के माध्यम से और शहर की में भी लगभग 14 नावें लगाई गई हैं उनको लाने के लिए, विभिन्न इलाकों से उनके माध्यम से हम लोग ला रहे हैं। राहत के सरकारी दावों के बीच अमर उजाला ने राहत शिविरों में भी जाकर लोगों से बातचीत की, उनकी हालत जानने की कोशिश की। लोगों ने साफ पानी और टॉयलेट की सही व्यवस्था न होने की शिकायत की। लैट्रिन बाथरूम की अव्यवस्था है सर, पीने के पानी की अव्यवस्था है, खाने की व्यवस्था तो फिलहाल मिला जुला के ठीक है, नाश्ता भी, भोजन खाना भी, लाइट वगैरह ठीक है। इन बाढ़ पीड़ितों के अलावा हमें एक ऐसा परिवार भी मिला जो इस त्रासदी के बीच किसी राहत शिविर में नहीं बल्कि एक नाव में शरण लिए हुए है। पिछले 15 दिन से भी ज्यादा वक्त से ये परिवार नाव में गुजारा कर रहा है। अरे जब घर द्वार नहीं है, झुग्गी झोपड़ी यहाँ है, डूब गई है हमारा, तो हम कहाँ जाएंगे? और हम लोग के रैन बसेरा भी नहीं बना हुआ है, पानी भर गया है, डूब गया है पूरी बस्ती हमारी, दारागंज दशाश्वमेध घाट की पूरी बस्ती डूब गई है। जिला प्रशासन और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अफसरों ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोगों से अपना अपना मकान खाली कर सुरक्षित स्थान पर चले जाने का फरमान पहले ही जारी कर दिया। NDRF, SDRF और प्रशासनिक अमले ने बाढ़ में फंसे लोगों को इस बीच रिहायशी इलाकों से निकालकर बाढ़ शिविर कैंपों और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की कवायद को भी तेज कर दिया है। यहां पर पुलिस कंट्रोल रूम में लोग कॉल कर रहे हैं 100 नंबर पर, वहीं पर हमारे नंबर शहर है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी कॉल करते हैं, हमारे नंबर लोकल पर्सन के पास शेयर कर रहे हैं और वो जो फंसे हुए लोग वो डायरेक्टली हमें कॉल कर दे रहे हैं और हम लोकेशन उनसे पता कर लेते हैं, वहीं पर पहुंच जा रहे हैं और उनसे रेस्क्यू करके ला रहे हैं अभी तक। ये दारागंज का इलाका है जिन सड़कों पर भर्राटेदार गाड़ियां चला करती थी, आज उन सड़कों पर नाव चल रही है। इन लोगों को अभी भी इंतजार है कि जो सहायता है, आम जनता को जो सहायता सरकार की ओर से मिलनी चाहिए, वो सहायता अभी भी नहीं मिल रही है। आनंद राज, अमरजला.com, प्रयागराज। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।